आप फ्री वाला है तो पैसा फिर क्यों लिए? दवा वाले जो रहते हैं वो बोल देते हैं कि सर अगर कोई दवा है तो आप उनको दे दीजिए और हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमेशा दवा वाले ही रहते हैं यहाँ। अभी हमने दिया लेकिन वो दवा वाला फिर आएगा, फिर अभी तुरंत श्वेत क्रांति के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की तर्ज पर अब पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के 1.5 लाख रुपए तक केसीसी योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भागलपुर तिलकामांझी पशुपालन विभाग परिसर में बने मवेशी अस्पताल में पशु चिकित्सा के नाम पर पशुपालकों को लूटा जा रहा है। यहाँ के डॉक्टर सैंपल वाली दवा बेचते हैं, इतना ही नहीं डॉक्टर साहब पशु पालकों को पुर्जे पर दवाई लिखने के बाद अपने चैम्बर से ही पैसे लेकर दवाई देते हैं। ये हम नहीं बल्कि पशु का इलाज करवाने आए लोग खुद कह रहे हैं। वही ड्यूटी में तैनात पशु चिकित्सक राजीव कुमार की बात सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि अस्पताल में मेडिकल संचालक दवाई बेचते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि किसी भी सरकारी अस्पताल में निजी मेडिकल संचालक द्वारा दवा बेचना गैर कानूनी है। यानी भागलपुर मवेशी अस्पताल में पशु चिकित्सा के नाम पर लूट मची है। मवेशियों के इलाज के नाम पर किस तरह डॉक्टर पशु पालकों से रुपए ऐंठते हैं, देखिए सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन की यह रिपोर्ट। मैं अपना पेट डॉग को दिखाने के लिए लेके आया था। क्या हुआ? उसको कान में खुजली हो रहा था, उसके इंजेक्शन कल लगाए हैं, दो तीन इंजेक्शन कल लगाए तो कल 200 रुपया लिए थे, आज भी लगाए। कौन पैसा लिया? डॉक्टर साहब जो अस्पताल में बैठते हैं। और क्या दवा वगैरह दिए? दवाई तो दिए हैं अभी। कैसे दवा मिला, फ्री में मिला या पैसा लगा? नहीं, फ्री में तो नहीं मिला, 1500 रुपया लगा। इसलिए मैं अपने डॉग को दिखाने के लिए लाई थी एंड उसका जो मेडिसिन है वो हमें यहीं पे खरीदना पड़ा, मतलब सरकारी हॉस्पिटल है पर हमें ऐसा नहीं मिला। ये सारे मेडिसिन अभी हमने खुद ही खरीदे हैं। क्या कहा गया? कुछ नहीं, उन्होंने बिल बना के दिया, लाइक मेडिसिन दिया, फिर उसका प्राइस दिया, हमें पे करना पड़ा। लेके आया था सर, बकरी का तबीयत खराब था, खाती पीती नहीं, कुछ भी नहीं। आए तो यहाँ 200 दिया, 50 रुपया लिया, 50 रुपया कल का, 50 रुपया आज का, 100 रुपया मतलब कल ही जमा ले लिया था। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठते हैं, लिखते हैं, वही लिया। यहाँ पे जैसे डॉग्स आते हैं, ठीक है, तो डॉग्स आते हैं तो हम लोग दवा लिख देते हैं और दुकानदार वाला सब यहाँ पे बैठा रहता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले, और वो हम लोग जो दवा देते हैं वो उस हिसाब से वो दवा यहीं पे आपका ले लेते हैं, या तो बाहर से ले लिए या मेडिकल वाले अंदर आके दिखाने आए थे। जी जी जी, आरोप है कि आपने पैसा लिया। जी जी जी, नहीं सर, आप बेचे यहाँ से दवा? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। यहाँ पे होता क्या है कि दवा वाले जो रहते हैं वो बोल देते हैं कि सर अगर कोई दवा है तो आप उनको दे दीजिए और हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमेशा दवा वाले ही रहते हैं। अभी हमने दिया लेकिन वो दवा वाला फिर आएगा, फिर अभी तुरंत। कुछ दवा नॉट फॉर सेल लिखा हुआ था सर, लोगों को जो मिला है वो दवा तो हम नहीं बता सकेंगे, वो दवा हम नहीं दिए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी डॉक्टर साहब दिए हैं। नहीं, दूसरा डॉक्टर बाहर के जो मेडिकल वाले हैं गेट के बाहर ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो चले गए तो वो ऐसा बोल देते हैं कि सर अगर वैसा कोई आए तो हम दे सकते हैं, लेकिन वैसा हम लोग करते नहीं है कभी भी। लेकिन डॉग का कभी नाम बता दिए सर? राजीव।